तो हाँ दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र अग्रवाल और आज हम आपको बहुत सारी चीज़ बताने वाले हैं। हालांकि आज जो वीडियो है ये है आईफोन का, आप देख सकते हैं ये है लोगो पर। और देखिए, हमने इसको शुरू से दिखाता हूँ मैं कि इसका क्या दिक्कत है। ये देखिए, तो ये सेट हमारे को आया था, और ये नहीं, बहुत सारे सेट आए हैं। मैं आपको बहुत सारे सेट दिखाने वाला हूँ कि कौन कौन से सेट आए हैं, क्या है। इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ बता रहा हूँ कि जैसे ये एक फ़ोन आया लोगो पर, और देखिए ये देखिए, ये हमारे को सेट बनाने के लिए आते हैं यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं, ये सारे डेड फोन आए हुए हैं। और भी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये तो हम सारे सेट बनाएंगे ही बनाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये सारे सेट ये जो हैं, ये हमारे स्टूडेंट के जो डायग्नोस करने के, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हम डायग्नोस करवाएंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सेट। यहाँ पर ये देखिए, ये सारे के सारे सेट हमारे स्टूडेंट के डायग्नोस करने, जो स्टूडेंट लाते हैं, ये एक एक स्टूडेंट इतने इतने सेट लाते हैं। देखिए ये देखिए, इससे भी कहीं ज़्यादा हैं, और ये तो बहुत कम है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में रखे हुए हैं। ये वो हैं जो हम लेकर आए हैं इंस्टीट्यूट से, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे स्टूडेंट के नाम और एक ही, और यही हम स्टूडेंट से बनवाएंगे सेट, डायग्नोस करवाएंगे। और कोई आईसी की वजह से अगर कोई सेट नहीं भी बन पाया तो अपना घर जाके बना लेंगे, पर डायग्नोस करके जाएंगे। डैड है तो डायग्नोस करेंगे कि यार ये डैड हुआ कैसे, और ये इसमें क्या दिक्कत है कि इससे ये सेट बन जाएगा। आप देखिए यहाँ पर, और इससे कहीं ज़्यादा सेट हमारे पास इंस्टीट्यूट में रखे हुए हैं, ये आप देखिए। ये तो इंस्टीट्यूट पर, क्योंकि हम स्टूडेंट का प्रैक्टिकल लाइव, हम इसलिए पहले इंस्टीट्यूट हैं जो लाइव आते हैं और स्टूडेंट का ही पूरा काम प्रैक्टिकल करते हैं। तो ये सारा सेट हम बनाएंगे, और जो हम अपने सेक्शंस होते हैं, जैसे हमारा चार्जिंग सेक्शन है, या हमारा, जैसे मान लीजिए कल मेरा चार्जिंग सेक्शन है, तो हम अपने सारे स्टूडेंट को पहले ही जब यहाँ वो आते हैं तो बोलते हैं कि आपके पास, और आप भी सुन लो, जितने भी स्टूडेंट जो हमको ज्वाइन कर रहे हैं, जो हमारे को बुक कर रहे हैं या जो हमको बुक करना चाहते हैं, अगर आपके पास जब आप यहाँ आएंगे तो जैसे डिस्प्ले, ग्राफिक्स, चार्जिंग, लाइट, स्पीकर, BSI या बैटरी एरर या चार्जिंग का एरर, नेटवर्क, माइक के साउंड से रिलेटेड कोई सा भी, अगर कोई सा भी वाईफाई, कोई सा भी, जितने भी फ़ोन हैं लेकर आइए आप, 102% किसी को यहाँ पर ये नहीं है कि 5 लाना है, 10 लाना है, जितने फ़ोन हैं आप चार्जिंग के, 5 हैं 5 लाओ, 25 है 25 लाओ, आपके पास ऑडियो के जितने सारे सेट हैं जो कहीं नहीं बन रहे मार्केट में, वो लेकर आओ हमारे पास। हम आपको ये भी बताएंगे कि एंडलेस, क्योंकि एक फ़ोन की रिपेयरिंग की भी 100-100 नहीं होता, किस फ़ोन को खोद के तो रिपेयर कर नहीं सकते, बट अगर उसमें स्वैपिंग भी केस होगा तो स्वैपिंग भी करवा देंगे। बट क्या होगा, क्या हो सकता है, CPU भी ख़राब है तो क्यों ख़राब है, डायग्नोस आपको यहाँ पर करने मिलेगा, और यही आपको ऐसे टेलीकॉम में सीखने मिलेगा जो सबसे अलग है पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में। यहाँ पर पढ़ाई का पूरा टेक्निक, यहाँ आपको हम कम फीस बोलकर, या हम डिस्काउंट बोलकर, या हम यहाँ पर आपको मैडम लोग को खड़ा करके यहाँ पर हम आपको बुलाने का कोई भी आश्वासन नहीं देंगे। यहाँ से प्रैक्टिकल और लाइव वर्क होगा जिसमें आपको सीखने मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर पूरे 12 घंटे की क्लासेस चलती हैं, और जेन्युइन, जहाँ पे एक दिन की भी छुट्टी नहीं है, और बहुत हार्ड वर्क होता है, और स्टूडेंट को मज़ा आ जाता है कसम से, क्योंकि हर दिन कुछ इतना नया सीखने को मिलता है। मैं सच बता रहा हूँ, आपकी जितनी भी उम्मीद है उससे कहीं दुगना आप सीखोगे, और आपको जो लगता है ना कि मैं बहुत बड़ा टेक्निशियन हूँ, तो वो आपका भ्रम मैं मिटा दूंगा एक दिन के अंदर, सिर्फ एक दिन के अंदर आपको पता चलेगा यार यहाँ तो कुछ और ही है और मैं कुछ और ही कर रहा हूँ। तो ये चीज़ सिर्फ ऐसे टेलीकॉम के साथ, आइए देखते हैं मोबाइल के साथ क्या सीन है। तो चलिए दोस्तों, एक बैटरी हमने चार्ज कर दी है,
आपको एक स्पेयर में बैटरी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम देखेंगे कि फ़ोन हमारा अभी रिकवरी मोड पे चला जाएगा और उसके बाद में हम इसको फ्लैश करेंगे। अब देखिए मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। तो अब हम एक बार फोन को कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए आप, तो फिर से एक बार फोन को हम रिकवरी मोड पे डालते हैं। कुछ ही कुछ सेकंड के लिए ये आता है। अब देखिए आपने आवाज सुनी होगी और आप स्क्रीन पे देखिए अभी इस फोन को ये पोर्ट तो बना लिया है इसने, पर इस बार देखते हैं बट थ्री यू टूल से कनेक्ट नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर, मतलब ये पोर्ट बना के छोड़ रहा है, ये देखिए आवाज आ रही है। हाँ देखिए इस बार कनेक्ट हो गया है दोस्तों। इसको फ्लैश पे करेंगे। फाइल हमारे पास एक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने फ्लैश किया और ये 19 पे अटक गया है रिकवरी मोड पे। इसका ये मीन है कि इसके हार्ड डिस्क का वर्क है, पर हम इसको हार्ड डिस्क को निकालने से पहले हम इसके वोल्टेज जरूर चेक करेंगे जो हार्ड डिस्क तक पहुँच रहे हैं कि नहीं पहुँच रहे हैं। तो हालांकि ऐसा होता तो ये हार्ड डिस्क नॉट सपोर्टेड वाला एरर देता, पर इसमें ऐसा नहीं है। तो चलिए इसका हार्ड डिस्क बनाते हैं। रिकवरी मोड पे है, नॉर्मल प्रोग्राम है करना है जो बहुत एक नॉर्मल वर्क है। दोस्तों ये आप देख रहे हैं इसे टेलीकॉम के ऑफिशियल चैनल। यहाँ पर मैं आपको एक हैंडसेट है जो आईफोन 6 जो हमारे पास लोगो पर आया है, और उसी तरह आपने अगर वीडियो पूरा नहीं देखा है तो आप वीडियो पूरा देखिए, जहाँ पर शुरू में मैंने बताया है कि ये सारे जो आईफोन्स हमें मिलते हैं ये हमें कुरियर से भी आते हैं, हमारे स्टूडेंट से भी आते हैं जो एंड्रॉयड करने आते हैं, और हम अपने स्टूडेंट को एंड्रॉयड के कोर्स में आईफोन पे हार्ड डिस्क हम बात करें अगर नैंड प्रोग्रामिंग वो हम फ्री में देते हैं, और बहुत सारे आईफोन से बेसिक रिपेयरिंग भी हम उनको फ्री में सिखाते हैं। और दोस्तों क्योंकि आईफोन की जो ब्लैक पेस्टेड होती हैं वो निकालना बहुत ईजी हो जाता है जब हम उनको एंड्रॉयड पर टीच करते हैं, सिखाते हैं, और हमारा सिखाना एक अलग लेवल पे और एक डिफरेंट सेगमेंट में होता है बाकी इंस्टीट्यूट की तुलना में। दोस्तों ऐसा क्यों होता है कि हम हमेशा डिफरेंट एक दूसरे से ये कोशिश करते हैं कि हमारा बेस्ट है या उनका बेस्ट है? तो आप अगर सबके वीडियो देखेंगे अच्छे से तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो टाइमिंग है वो सबसे ज़्यादा है, 12 घंटे का, एक भी दिन की छुट्टी नहीं है, और हमारा सिस्टमेटिक तरीके से हम इसमें पढ़ाते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम आईसी रिबोलिंग सिखाते हैं, फिर हम बेसिक कंपोनेंट, फिर आईसी रिबोलिंग के बाद में एमएमसी पावर, उसके बाद सीपीयू रिबोल, और जब एक स्टूडेंट ये सारी चीज़ रिबोल करने लगता है तो हम पहले पावर आईसी उसको लाइव मोबाइल में लगवाते हैं, फिर एक 4G सीपीयू लगवाते हैं विदाउट जो बिना पेस्ट होता है, विदाउट पेस्ट होता है, क्योंकि पहले अगर वो ये सब काम बहुत अच्छे से कर लेता है तो उसके लिए पेस्ट का काम करना ईजी हो जाता है। फिर हम उसका हार्डवेयर सेक्शन क्लियर कराते हैं, और जिसमें हम एक एंडलेस वर्क सिखाते हैं जिसको बोलते हैं GR वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी, कि एक एंडलेस क्या हो सकता है कि अगर कोई ग्राफिक्स नहीं आए, कोई चार्जिंग ना बने या नेटवर्क या ऑडियो, तो एक फाइनल स्टेप क्या हो सकता है कि भाई उसके बाद तो फिर बोर्ड ही चेंज होगा। तो ये सारी चीज़ हम स्टूडेंट के लाइव हैंडसेट में करते हैं। आप भी लाइव लेके आएंगे, जब आप आएंगे तो अब मैं आपसे और हमेशा स्टूडेंट से ये कहता हूँ कि जितने हो सकता है फॉल्टी मोबाइल सेक्शन रिलेटेड आप ज़रूर लेके आइए। देखिए डैट तो आप लाएंगे ही लाएंगे, पर आप अगर सेक्शन रिलेटेड फ़ोन आप लेकर आएंगे तो उसमें आपको
जैसे ऑडियो के आपके कोई फॉल्टी है, ऑडियो नहीं बज रहा, माइक नहीं बज रहा, फट रहा है, या जो भी है जो मार्केट में नहीं बन रहे हैं, आपको आपके पास है, आपकी दुकान पे है, आपकी बाजू की दुकान पे है, टच काम नहीं कर रहा है, ग्राफिक्स नहीं आ रहा है, लाइट नहीं जल रही है, आप लाइट के कितने भी सेट लाइए, आपके आपके सामने पहले लाइव सारे स्टूडेंट के सामने उसको डायग्नोज करेंगे और बताएंगे कि लाइट क्यों नहीं जल रही है, और वही आपके सीखने का एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल रीज़न है। और उसमें से कुछ सेट फिर आप अपने जो हमारे प्रैक्टिकल लैब हैं, जब आप हमारी थ्योरी सेशन अटेंड करेंगे, जब हम आपके कुछ सेट बना के आपको दिखा देंगे और अपना सेक्शन कंप्लीट करेंगे, तब आप उसी सेट को, अपने सेट को फिर बनाएंगे हमारे सामने, और जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। तो हमारे यहाँ स्टेप टू स्टेप सिखाया जाता है। और बात करें क्या क्या एडवांस लेवल पे हम आपको दे सकते हैं, तो डुअल डेकर सीपीयू हम आपको सिखाएंगे, हार्ड डिस्क प्रोग्रामिंग आपको सिखाएंगे, एमएमसी में हमारे सबसे ज़्यादा दिन होते हैं बाकी इंस्टीट्यूट की तुलना में, और पूरे 9 दिन का क्लासेस एमएमसी में, 7 से 9 दिन का क्लासेस हमारे एमएमसी में हम देते हैं, और ब्लैक पेस्टेड हम डेली 7 दिन का ब्लैक पेस्टेड, मतलब आप ये मान के चलिए कि आप जीरो से स्टार्ट करते हैं और हीरो पे कैटेगरी में आप पहुंच जाते हैं। ब्लैक पेस्टेड हम हर तरह के, आप बिल्कुल जितने हो सकते हैं हार्ड ग्लू वाले ब्लैक पेस्टेड लेके आइए, वीवो पोया जो भी आपको लगता है जिस बोर्ड में हार्ड ग्लू है वो लेके आइए, और हमारे सामने करिए उसको, ताकि आपको बिना किसी पैड, बिना किसी स्क्रैच के आप ये बहुत ईजिली बना सकें। दोस्तों, हमारे कोर्स में रहने खाने की सुविधा बिल्कुल फ्री है, और फ्री क्या है, ये हमारे कोर्स की फ़ीस में इंक्लूडेड है, जो हमें अलग से पे करनी पड़ती है, आप जो फीस देते हैं तो उस फीस में अलग से पे करनी पड़ती है। तो आप ये ना सोचिए कि फ्री तो कुछ भी नहीं होता, बट ये है कि हम उसको आपसे अलग से नहीं लेते हैं, ये आपकी, हम आपको फीस के अंदर ही लेते हैं। तो रहना खाना पूरा एक मन का यहाँ पर, और जो फीस है हमारी वो बहुत कम है, बहुत ही मतलब दूसरों इंस्टीट्यूट की तुलना में जो हमारा कोर्स का कॉन्टेन है वो सबसे ज़्यादा है और फीस हमारी कम है। तो ये देखा जाए तो आप एसर टेलीकॉम का अनुभव भी देखिए कि कितना एक्सपीरियंस है हमें, बहुत सालों से हम काम कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हमने दिए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे मार्केट में बैठे हुए हैं, इंडिया के कोने कोने पर, स्टेट में और इंडिया के बाहर, तो बहुत सारे स्टूडेंट हमारे बैठे हुए हैं और बहुत सालों से हम काम कर रहे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से जाने के बाद में आप खुद का इंस्टीट्यूट भी चला रहे हैं, और बहुत सारे लोग अपना इंस्टीट्यूट जो चलाते हैं वो जनरली जो टीचर्स होते हैं वो हमारे पास स्टूडेंट बनकर आते हैं और हमसे ही ट्रेनिंग लेते हैं और फिर अपना इंस्टीट्यूट को रन करते हैं। तो आप देखेंगे ओवरऑल, बाकी इंस्टीट्यूट आप देखें तो 2 या 3 या 4 महीनों का एक्सपीरियंस है, आप उनको देखें कि कोई भी आईसी को निकालना लगाना कोई बड़ी बात नहीं होती दोस्तों, बड़ी बात है कि एक्सपीरियंस टीचिंग का कितना है, आपको क्या सिखाना आना चाहिए उनको, क्या आपको डिलीवर करना आना चाहिए, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक अगर एक बंदा अगर आपके सामने एक हार्ड कोई सा भी आईसी निकाल के लगा के चालू कर देता है तो ये उसकी काबिलियत है, ये मैं मानता हूँ, पर काबिलियत ये सब में होती है दोस्तों, हम आप में पैदा कर देंगे 30 दिन में, पर मेन काबिलियत वे है कि ये आपसे करवाए, मतलब आप ये सोचो कि एक ऐसा बंदा जो आपसे काम करवा दे तो वो है काबिल, ये नहीं कि खुद काम कर ले, क्योंकि खुद काम करने वाला टेक्नीशियन होता है, पर जो आपसे काम करवा दे वो टीचर होता है। तो एक सही टीचर से पढ़िए, और अगर आप अपना पैसा एक ऐसे इंस्टीट्यूट में लगाते हैं जिनका एक्सपीरियंस नहीं है, जिनको जो अभी अभी बैठे हुए हैं मार्केट में, तो ये आपका पैसा वेस्ट हो सकता है। ज्वाइन करें इसे टेलीकॉम।
सीपीयू से लेके 4G सीपीयू से लेके आपने लास्ट डे क्या करके गए बताइए? डबल डेकर सर। डबल डेकर किया आपने। बैकअप के स्टूडेंट भी आपके साथ में आए थे तो कि तो आपको ये देखकर और अच्छा लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना, मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है, सपोर्ट दे रहा है। लास्ट डे क्या करके गए आप? लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेकर सीपीयू को मतलब जो है निकाले और उसके बाद रिवॉल्व भी किया, उसको लगाए भी पूरा पूरा। लास्ट डेट आपने क्या किया सर? डुअल टेकर सीपीयू आपने रिबोलिंग और रिबोलिंग किया, निकाला, क्लीन किया, वो मैटर समझ में आया सर? बिल्कुल सर। थ्री सीपीयू भी किया। लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डबल डेकर किया है। डबल से लास्ट डे क्या करके गए सर? डबल टेकर किया लास्ट में। डुअल टेकर किया ना आपने? लास्ट डे क्या किया? डबल डेकर सीपीयू करके गए। जाता हूं आखिरी दिन आपने क्या किया सर? डबल डेकर सीपीयू। और इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है?